तो प्लान सुनो, 22 सुबह ठीक 9 बजे आती है, 9:20 तक घंटी बजाती है और 9:25 पे डुप्लीकेट चाबी से घर के अंदर घुसाती है। मैंने ही दी थी ताकि हमें नींद से उठना ना पड़े। फिर घंटी क्यों बजाती है? पॉइंट, ये भी कल डिस्कस कर लेंगे। करते हैं। तो भाई अंदर घुसती है 9:25 पे और 9:55 तक चली जाती है। इसका मतलब आधे घंटे में वो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चम्मचों की चोरी और पीएस पे 20 मिनट फीफा खेल के जाती है। तो जाहिर सी बात है खाना बेकार ही बनेगा, इसीलिए हमें ये कल ही करना होगा। और ये करेगा कौन? भाई जिसकी गांड में दम होगा। तो तय रहा, I'm out. तो ठीक है, मैं ही करूंगा। तू लीड कर तो पाएगा ना? तुझे पता तो है ना क्या बोलना है? यही कि दीदी हमें बहुत फीका खाना मिलता है। क्या बोला? फीका खाना? गूंगे बैरों के हॉस्पिटल में रोज खाना बनाती हूँ मैं, वहां पे तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन दीदी वो तो गूंगे घर इतनी प्रॉब्लम है ना, तो कोई और दीदी ढूंढ लो। हा? कल से मैं नहीं आ रही। नहीं नहीं दीदी, दीदी दीदी मैगी अच्छी थी, दीदी मैगी अच्छी बनाई आप। दीदी मैं ये कह रहा था कि हमें फीका खाना मिलता है और वो हमें पसंद है। ये तो कितनी तारीफ कर रहा था। और अच्छा खाना आजकल सब लोग खा रहे हैं, उसमें अलग क्या है? पूरा मूड खराब कर दिया दीदी का। दीदी आप जाओ, जाके फीफा खेलो। 18 लाए क्या? बाकी 18 लेके आ, 18 की सीढ़ी लेके आ दीदी के लिए। चल पैसे का, पैसे मैं दे दूंगा। अरे हट ना दीदी, जाएंगे दीदी जाओ। आज भी नहीं बोल पाया, कल आंटी आ रही है। माँ माँ आज तो खाना बाहर से मंगा लेते हैं। भाई सिर्फ चोरी के लिए लगाई है के? हाँ घर का खाना खाया कर, हेल्दी होवे है। माँ वो ताई जी कैसी है? लो ताई जी का मर्डर हुए ना, पूरे 8 महीने हो गए हैं, इसलिए कहती हूँ कभी कभी घर आ जाया कर। दाल पास कर। के ढूंढ रहा है भाई, सामने रखी है, पास कर। यो दाल है, मरने लगा ये फिंगर बोल है। पास कर। माँ जे लो रोटी खा लो। रहने दे, हो गया मारा। थारे को तड़का लगाने से कोई प्रॉब्लम है के? मोटे की माँ है के, तभी मैं सोचूं। इतनी प्रॉब्लम है तो आप ही सिखा दो ना कैसे लगाते तड़का। एक और कढ़ाई होती ना तो यही कहीं सिखा देती कैसे लगाते तड़का। स्वाद है थारी तड़के वाली दाल में। सोसाइटी की नंबर वन बाई को सबक सिखाया था हमने। रे दिल छोटा ना कर, मोटे की माँ से सबक सिखाया तन्ने, कल से काम पे आने की जरूरत ना है। चल निकल निकल। जे है मारी दीदी, यानी हमारे भद्र कालेश्वर एके बद्री की माँ, और जे हूँ मैं बद्री का मामा एके मामा। जब हरियाणा में फेमिनिज्म की आग फैली तो दीदी ने खाना बनाना छोड़ दिया, पर बद्री ने पेल के खाना नहीं छोड़ा और दीदी को फिर से किचन में घुसने पे मजबूर कर दिया। ओ, आटा मार दूं, रे लस्सी।
काटे हैं सारे उंगल 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 उंगल। कोई मिली ना दीदी? 17 साल हो गए अब तक ना मिली, इब के मिलेगी? अरे लुगाई नहीं, बाइक की पूछ रही हूँ। ढूंढने गया था ना तू? ना वो भी ना मिली। हाँ एक मिली थी, फिर मैंने बद्री की डाइट के बारे में बताया तो रास्ता नाप ली। जा छुराने दे दे। दीदी 10 दिन बाद खाप पंचायत के चुनाव है, आप तो निकल जाओगी, फिर कौन बनाएगा इनका खाना? भाई को निकाल के गलती कर दी आपने। नहीं ऐसा बद्री बोल रहा था। बद्री हुआ क्या चल रहा है? आंटी जी हमारे यहाँ रोलिंग पेपर लेने, न्यूज़पेपर लेने आए थे और साला 2 मिनट के लिए मैं बाथरूम क्या गया, पूरी की पूरी मैगी बनाकर खा ली इन्होंने। वाह बड़े अंडा भी दिखा तो वो भी फोड़ के डाल दिया। अंडा? आंटी पूरी कैरेट खाली कर दी इसने, मंथन में कोई ऐसा करता है? ले ले अंडे के पैसे, चलो निकलो यहां से। इधर आ। माँ सॉरी वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वो ठीक है, पहले मैंने ये बता बनाया कैसे? चूतिया बनाने में क्या है माँ, जैसे वो बाथरूम के अंदर घुसा मैं किचन के अंदर चला गया। मैगी कैसे बनाई? मैगी, मैगी बनाने में क्या है माँ, पहले तो किया पानी गरम, फिर उसके अंदर डाला मैगी, फिर बाद में डालने मसाले, फिर अंडे को तोड़ के जोर जोर से फेटा और अंडा फोड़ा इसके 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 इसके। आधा तो ऑमलेट बन गया उससे। ये बात कर रही दीदी, छोरों से चूल्हा चौका करवाएगी के? क्यों नहीं कर सकते, मारे छोरे 22 से कम है के? आंटी येलो फोन, जितना खाना ऑर्डर करना है ना बाहर से कर लो। पर माँ अभी तो खाना खाया है। तो और खा लो, कल से ना ही कोई बाहर से खाना ऑर्डर करेगा और ना ही इस घर में बाई आवेगी। क्यों माँ? क्योंकि कल से तुम सब लोग अपना खाना खुद ही बनाओगे। ये रही सब्जियों की लिस्ट, कल सुबह मंडी खुलते ही ले आना। मम्मी चूल्हा चौका तो ए जीतू, धनिया और हरी मिर्ची के पैसे ना देना। हमरे बस के बाहर है ओ मम्मी चूल्हा चौका तो हमरे बस के बाहर है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम ले जी बालक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम ले जी बालक है। प्याज तेज इतना, प्याज तेज इतना, सुबह तेरा
चूल्हा चौका तो हमरे बस। लेकिन क्या जरूरत थी उनका अंडा मैगी बनाने की? तुझे ही फूकने के बाद भूख लगी थी। क्या माँ, गरम मसाला जे भी लिस्ट में था। अब जे किसका है? ये मेरा आंटी। माँ ने बोला सबसे पहले चौका तो लगा, फिर मसाले तो मिला रे धीमी आंच पे पका। कच्चू लेके आगे पीछे सब्जी को जला, थोड़ी ग्रेवी थिक बना और बनने से पहले ना था। पिज्जा बर्गर चखे हुए भी हो गए हैं बरसों, माँ को लेके चला जा मामा ट्रेन पकड़ के परसों। मारने में आटा लोड़े लगने वाले हैं, मारने में आटा लोड़े लगने वाले हैं। और मारी मम्मी, और मारी मम्मी किचन की कलना रंग है, मम्मी झूला चौका दो हमरे बस के बाहर है। सब्जी बनाना तो सबने सीख लिया, और अब सबसे मुश्किल काम है रोटी बनाना। और असली रोटी ऐसी नहीं, ऐसी होवे। गोल रोटी तो मैं आटे पे सीढ़ी रख के बना लूंगा। रे, गोल रोटी सीढ़ी से ना बनती, उसे बनाना पड़ता है बेलन से, पलथन से फुला के। चलो आओ एक एक करके। इन छोरों ने देखने लायक खाना बनाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन खाने लायक खाना है कि नहीं ये देखने वाला कोई ना था। चल खा। ना दीदी ना, यो खाना मने ना खिला। दीदी मैं तने प्रॉमिस करता हूँ, इस बार मैं आठवीं पास करके दिखा दूंगा। मैंने 13 का टेबल भी याद कर लिया है। 13 1 13 13 2 33। फिर गलत हो गया के दीदी? माँ प्लीज बाल मत करो। माँ गंजे का मजाक नहीं उड़ा पाऊंगा। कल एक लड़की से बात हुई है माँ, उसे ही नहीं मालूम है क्यों लागू मैं। प्लीज माँ बाल मत कटाओ। पटा सके है के नहीं? काट। तो कृपान कड़ा कचहरा कंगा केश। थैंक यू वाहेगुरु जी। केश 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 इज इंपॉर्टेंट। सॉरी बद्री, एक ही थी। इसे गिरेंगे नहीं, आंटी वाले झड़ेंगे नहीं इससे। अरे आज कपड़ा सुखाने नहीं है। अरे खाना बनाते बनाते इसकी भी चाल भाइयों जैसी हो गई है कसम से। अरे कभी हमारे भी लौके छील दो। जाने दे बद्री, वैसे भी हमने अभी लौके छीलना सीखा नहीं है। यार
कब जाएंगी तेरी मम्मी? साला कल रात को ना भिंडी समझ के अपना ही काटने वाला था। बहुत काट ली भिंडिया, अब जोमैटो होगा। और भूख लग गया मामा। मने भी। अरे भाई काम कर और पिज्जे मंगा ले। ये बात सही कही है मामा। और सुन, इस बार वो सब डलवा लियो, मीटबॉल, पेपरोनी, चीज सब डलवा ले। ये बात मामा को चस्का लग गया। ये हो गया ऑर्डर मामा। हो गया? अरे भाई आ भी क्या? अरे घनी फास्ट सर्विस है भाई तुम्हारे शहरों में, हमारे हिसार में दो दिन बाद आवे। दीदी मैं तो परौठा समझ के खा रहा था। क्या यार, पिज्जा ही तो मंगवाया था, स्ट्रिपर थोड़ी मंगवा ली थी, जितना बवाल कर दिया। वही तो, और कौन सी माँ अपने 24 साल के प्रॉमिसिंग लड़के से खाना बनवाती है? 24 साल के लड़के से खाना बनवाती है? अबे तेरी माँ कम से कम तुम्हें खाना बनाना सिखा तो रही है। अरे देखा मैं भाई का खाना और नुसरत भाई का माल फूक फूक के कैसे सूख गए सब। यार तू तो जानता है यार, बाहर से खाना ऑर्डर करने की औकात ना सिर्फ 8 तारीख तक ही होती है और इसकी 12 तक। मेरा बॉस है ना, ऐसे में अगर तुम्हारी वैष्णो देवी समान माँ तुम्हें खाना बनाना सिखा रही है तो इसमें क्या गलत है यार? जला के चूल्हा दिखा दे सबको बनता अच्छा खाना कैसे है बिना भाई के या मम्मी के, हम सारे खाने कुक कर देंगे, तुझे बफेट लगा के देंगे, सर्व कर देंगे, तेरे प्लेट को भर के पेट को खुश कर देंगे, खुश कर देंगे, खुश कर देंगे। ऐसे छोरे हैं, छोरे हैं, ऐसे छोरे हैं, इतने बर्तन हैं, बर्तन हैं, मिलके धो रहे हैं। ऐसे छोरे हैं, छोरे हैं, ऐसे छोरे हैं, सोसाइटी की लड़कियों में फेमस हो रहे हैं। ऐसे छोरे हैं, छोरे हैं, स्माइल कर रही है, अब तुझे नहीं मेरी ग्लैमर की एलईडी टेल लाइट देख के इंप्रेस हो रही है। ऐसे छोरे हैं, छोरे हैं, ऐसे छोरे हैं, आज इस सारे रास्ते के लिए बनाया, लड़कियों में फेमस हो रहे हैं। अरे छोरे हैं, फिर के था हमारे जाने के बाद बद्री ने अपने भारी भारी कदम इंटरनेशनल कुजीन की तरफ मोड़ दिए। और इंटरनेशनल जाके आपको भले ही अंग्रेजी ना आए, एक्सेंट जरूर आ जाता है। खाना अगर अच्छा दिखेगा तो स्वादिष्ट तो अपने आप ही हो जाएगा। क्या दिख रहा है?
जीतू, अरे दाल बना रहा था यार, थोड़ा धनिया की गार्निशिंग और कर देता हूँ, सेक्सी भी लगेगा। थोड़ा धनिया पाउडर डाला होता ना तो टेस्ट भी अच्छा आ रहा होता। क्या सब देखते रहे। अपने माँ के देसी तरीके भूल जाइए, जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए। बेक्ड बीन्स कुछ भी बोलो। इसमें लाल मिर्च डालना। ग्रेवी लाल हो जाएगी तो पिंक प्लेट पे अच्छा लगेगा क्या? टजी ये कर रहा है फॉर माय इंस्टा फॉलोअर्स। ये देखो दीदी, आपको तो हैशटैग भी नहीं किया, और जे क्या लिखा है, थैंक यू गोल्डन राम जे। कोई बहुत बड़ा सेफ लागे है। सेफ? अरे रसोईया। डिसलाइक कर दूं के? नमस्ते माँ। नमस्ते अम्मा। नमस्ते, क्या हाल तेरे? कुकिंग कैसी चल रही तेरी? अच्छी चल रही है माँ, आज क्रीम ब्रुले बनाया। क्रीम ब्रेली? यूपी की डिश है के? नहीं माँ, इंटरनेशनल है। आप अगली बार आओगे ना तो आपको भी सिखाऊंगा। और हाँ माँ, अगले हफ्ते ना हमारे बर्थडे पे सारे इंस्टा फॉलोअर्स आ रहे हैं डिनर पे, साथ में ना उनके बाल बढ़ा लिया तन्ने। कोई ना, बना तू अपनी वो इंटरनेशनल डिश, क्या कहवे हैं जो भी, बना बना। क्रीम ब्रेली शिव जस्सी, कम ऑन गाइस, हाथ तेज चलाओ यार, साथ में सारे इंस्टा फॉलोअर्स आ जाएंगे। जीतू, जीतू क्या कर रहा है यार? क्या प्याज काट के नहीं यार, मैशुआ करके डालने थे। कैसे? मैशुआ, मैश। मगर आंटी ने तो ऐसे ही बताया था। भूल जा माँ के पुराने टेक्निक्स, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे कर। के गलत है हमारी टेक्निक में? के गलत है? माँ गलत नहीं, बस खाना थोड़ा फोटोजेनिक दिखे है। मैं भी देखूं, ऐसा क्या सिखाया इंटरनेट ने जो थारी माँ ना सिखा पाई। ऐसा कढ़ाई चिकन खिलाएगा अपने दोस्ता ने? माँ दोस्त नहीं, फॉलोअर्स, वो भी पूरे 35। चुप कर, ना मिर्च का पता लग रहा है ना तेज पत्ते का। अरे इससे अच्छा तो थारा मामा मिल्क चौकोस बना ले वे। थैंक यू दीदी। माँ ग्रेवी रेडी ना थी अभी तो? अब कर ले रेडी। करछुल लेके धीरे धीरे घुमाते रहिए, वो अपने आप मिक्स हो जाएगा। अब नमक डालिए, स्वादानुसार नहीं, मात्र 10 ग्राम। अब सबसे जरूरी चीज, अब आप डालिए। अब हाँ।
जीतू यार यार मेरा डेटा खत्म हो गया यार, प्लीज फोन देना यार अपना। जैसी जीतू यार प्लीज 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 यार डेटा खत्म हो गया, प्लीज अपना फोन दे दे। जीतू जीतू शिव 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 यार तू तो 104 वाले का वाईफाई चुरा के यूज करता है, प्लीज पासवर्ड बता दे, अब फैंस अनफॉलो कर देंगे यार प्लीज। मामा मैं आपका मान जाऊंगा, मामा प्लीज फोन दे दो, मामा सब अनफॉलो कर देंगे मामा। जब प्याज पक के लाल हो जाए तब उसमें क्रश किया हुआ टमाटर डाल दे। ध्यान रहे कि टमाटर एकदम महीन हो। अब धीरे धीरे इसे कड़छी से चलाएं। अब इसे थोड़ी देर यूं छोड़ दें ताकि टमाटर मसाले में अच्छी तरह से घुल जाए। मैं माफ कर दे माँ, वो जियो ने 10 GB डेटा फ्री में दे दिया था तो मैं बैग गया था माँ। रे माँ हूँ, अपने बेटे को उसके इंस्टा फॉलोअर्स के सामने बेइज्जत थोड़ी होने दूंगी। हाँ चल पगला। और फिर फाइनली दीदी ने वो गोल्डन वर्ड्स बोले जिसको सुनने के लिए बैचलर्स के कान तरस गए थे। लेट्स ईट आउट टुडे। क्या बात कर दी दीदी, ईट आउट कह दिया दीदी ने।